हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज इस वीडियो में हम ध्रुव राठी वर्सेस एलविस यादव और एलविस यादव वर्सेस ध्रुव राठी, इन दोनों के बीच जो कंट्रोवर्सी चल रहा है गाइज, इस पर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई दूसरा वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। गाइज, ये जो है एलविस यादव, ये तो सब जानते हैं, छपरी है, बिग बॉस में विनर भी रह चुका है गाइज ये। और ये ध्रुव राठी जी है, ये गाइज एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं। इनका जो फॉलोवर है गाइज अभी जो यूट्यूब पर लगभग 23 मिलियन से ओवर प्लस फॉलोवर है गाइज, सब्सक्राइबर है जो 23 मिलियन से प्लस है। और इनका व्यूज जो है गाइज लगभग एक घंटा के अंदर 10 लाख से ओवर रहता है। तो चलते हैं गाइज, बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कहाँ है जवाब करना बंद कर दे कौवे की तरह, ये रहा जवाब। खतरनाक जॉर्ज सोरस, जिनके बारे में इतनी कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जाती हैं, इनके बीजेपी के साथ मैंने डायरेक्ट लिंक्स दिखा दिए। लेकिन एलविश ने जो लिंक बताया हर्ष मंदर का मेरे साथ, आप भी सुनकर चौंक जाएंगे कि कोई इस लेवल का बेवकूफ कैसे हो सकता है। वैसे मुझे तो लगता है ये खुद ही इतना बेवकूफ है, क्योंकि इसने ये भी नहीं नोटिस किया कि ये वाला जो आदिल अमन था, जो मेरे फेसबुक ग्रुप में था, उसके नाम की स्पेलिंग अलग थी और इस वाले आदिल अमन के नाम की स्पेलिंग अलग है। ऑलरेडी तेरे ऊपर इतने सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जमानत पर तू बाहर है, और फिर वीडियो में ऐसी आकर बकवास करता है कि और तेरे ऊपर कोर्ट केसेस आ जाए। नमस्कार दोस्तों, कभी पिटोड़ा देखा है आपने? ये चीज, इसमें गोबर के बने हुए उपले रखे जाते हैं। हरियाणवी में एक कहावत है कि बिटोड़े के मुंह से उपले ही निकलें। अभी कुछ हफ्ते पहले किसी दोस्त ने मुझे कहा कि एलविस यादव ने मेरे ऊपर एक वीडियो बनाया है, मेरा क्या कहना है उस वीडियो को लेकर। मैंने कहा, भाई क्या यार, क्या उम्मीद करते हो, बिटोड़े के मुंह से उपले ही निकले। बिटोड़े के मुंह से उबले ही निकले गाइस, बिहार में इसको चिपरी बोला जाता है, जो कि गोबर से बनाया जाता है। भैंस या गैया का गोबर होता है, उससे बनता है ये। अब वैसे तो दोस्तों, इन गोदी यूट्यूबर्स का एक पूरा झुंड बैठा है, जिसने पिछले कुछ महीनों में मेरे ऊपर एक से बढ़कर एक हमले करने की कोशिश करी है। कोई मुझे कभी कुत्ता कहता है, कोई कॉकरोच कहता है, कोई कहता है कि मेरी वाइफ पाकिस्तानी है, तो कोई मुझे बुली कहता है। लेकिन इन सभी में से एलविस सही मायनों में इन बेवकूफों का सरदार है। एलविस जो है गाइज, इन बेवकूफों का सरदार है, ये जो है ध्रुव राठी जी का कहना है, और ये सही है गाइज। क्योंकि जितनी अनाप शनाप बातें इसने अपने वीडियो में करी ना मेरे बारे में, जितने दुनिया भर के झूठ इसने फैलाए, उतने शायद ही किसी ने फैलाए। इसने मुझ पर जो वीडियो बनाई, उसका कई सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी काउंटर कर चुके हैं। जिन्होंने भगवा रंग पहन रखा वो छपरी है, कि सब छपरी है ये, जितने भी ये सैफरन गमछा ओढ़ते हैं। अरे एलविस भाई, ध्रुव राठी ने ये कहीं नहीं कहा कि जो भगवा रंग पहनता है वो छपरी है, बल्कि वो लोग जो भगवा रंग पहन के मस्जिद के सामने जाकर हाथों में तलवार लेके घूमते हैं, वो लोग जो भगवा रंग पहन के राम का नाम खराब करते हैं, वो छपरी हैं। इसे बोलते हैं भाई साहब ब्रेन वॉशिंग। किस चीज का सिस्टम है, बच्चे बिगाड़ने का, गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करने का, या फिर भांग पीकर वीडियो बनाने का, बियर पीकर वीडियो बनाने का, माहौल खराब करने का, आखिर किस चीज का सिस्टम? किसी भी चीज को यहाँ से वहाँ जोड़ दिया, कभी बोला कुछ, दिखाया कुछ, कभी तो बोलना ही नहीं आया ढंग से। हर्ष मंदार कह लो या फिर हर्ष मंदर कह लो, जो भी है। तो दिस इज एन इंटरव्यू ऑफ हरमंदर सिंह। हरमंदर सिंह हर्ष मंदार नहीं है, इज अ डिफरेंट गाय। अब जस्ट बिकॉज उनके नाम सिमिलर है तो उसने उन्हीं का आर्टिकल दिखा दिया, मतलब हद होती है यार। अब इस बात का कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है कि हर्ष मंदर और ध्रुव राठी डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, लेकिन एक स्पेकुलेशन के आधार पे और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के आधार पे इस बात को इतने कॉन्फिडेंस से बता दिया जाता है। जो व्यक्ति गाली देता था, वो व्यक्ति ने इस वीडियो में गाली नहीं दी, खुद ही बोला नहीं दे पाऊंगा, क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने सुधारा है उसको। ये है पढ़े लिखे यूट्यूबर्स का फर्क। जब छपरियों का सरदार गाली देना बंद कर सकता है इस व्यक्ति के वीडियो की वजह से, तो फिर इसके जो गुलाम हैं वो क्यों नहीं गाली देना बंद करेंगे? इतनी बेइज्जती होने के बाद भी एलविस का मन नहीं भरा, मुझसे कहने लगा कि काउंटर दो। कहाँ है काउंटर, कहाँ है काउंटर, काउंटर कहाँ है, जवाब कहाँ है? काएं करना बंद कर दे कौवे की तरह, ये रहा जवाब। बस एक चीज कहूंगा, विक्टिम कार्ड मत खेलियो इस वीडियो को देखने के बाद, रोना धोना नहीं चलेगा। पहले भी तू टीवी पर बहुत रोया। लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दिल है, हमारे ध्रुव भाई को एंटी नेशनल्स में इतना इंटरेस्ट क्यों है, अपने को कोई कुछ भी कर सकता है, पर इंसान कितना पागल होगा।
बीजेपी की एक बड़ी पॉपुलर स्ट्रैटेजी है, आपने भी नोटिस किया होगा दोस्तों, कि जो भी इंसान बीजेपी की आलोचना करता है ये बीजेपी वाले उसे एंटी नेशनल घोषित करते फिरते हैं। एल्विश ने भी यही किया कि ये इंसान एंटी नेशनल, वो एंटी नेशनल, फलाना एंटी नेशनल, ढिमकाना एंटी नेशनल। अब किसी तरीके से इन सभी लोगों के ध्रुव राठी से कनेक्शन जोड़ दो और इसे भी एंटी नेशनल घोषित कर दो। मैंने तो एंटी नेशनल घोषित कर दिया। आइए पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं कि इसने एग्जैक्टली क्या कहा था। इसने बात करी थी आदिल अमन नाम के एक आदमी की। साल 2020 के अंदर ध्रुव राठी ने एक फेसबुक ग्रुप बनाया जिसके अंदर वो एडमिन थे और इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग थे। उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चेहरा था जिसका नाम है आदिल अमन। पहली गलत इन्फो, साल 2020 में मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया। जिस ग्रुप की ये बात कर रहा है वो मैंने 2017 में बनाया था और 2020 तक तो मैंने उसे बंद कर दिया था। इस फेसबुक ग्रुप का नाम था ध्रुव राठी स्क्वाड। इसके साथ साथ मेरा एक फेसबुक पेज भी है सिर्फ ध्रुव राठी नाम से। इस ग्रुप को मैनेज करने के लिए मैंने कुछ एडमिन्स को चुना, उन लोगों में से जो मेरे फेसबुक पेज पर सबसे ज्यादा एक्टिव लोग थे। कौन ये लोग थे मैं नहीं जानता। मैंने सिर्फ इस बेसिस पर इन लोगों फेसबुक ग्रुप का एडमिन बनाया कि ये मेरे फेसबुक पेज पर सबसे ज्यादा लाइक और कमेंट करते थे। इनफैक्ट फेसबुक की खुद की ये सजेशन होती थी उस जमाने में। तो जो भी एडमिन्स थे मेरे फेसबुक ग्रुप के, उनमें से किसी से भी मैं आज तक पर्सनली कभी नहीं मिला। अब हुआ क्या कि इनमें से एक एडमिन आदिल अमन ने एक टाइम पर बड़े ही वायलेंट और एक्सट्रीमिस्ट टाइप के कमेंट्स किए जिन्हें ऑब्वियसली मैं सपोर्ट नहीं करता। बाकी एडमिन्स ने वो कमेंट्स मुझे दिखाए और मैंने फिर इसे एडमिन की पोजीशन से हटा दिया। अब लॉजिकल सी बात है, मैं हमेशा नाथूराम गोडसे वाली ऐसी मानसिकता का विरोध करता हूं, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया कि अगर इस तरीके से चलता रहा, इस ग्रुप में कोई कुछ भी लिखेगा, ब्लेम वहां मेरे ऊपर आएगा बाद में। इसलिए साल 2020-21 के अराउंड मैंने इस पूरे फेसबुक ग्रुप को ही शट डाउन कर दिया। अब 4 सालों बाद हमारी कहानी में एंट्री होती है इस बेवकूफ की, जो इस घटना को लेकर एक स्कैंडल बनाने की कोशिश करता है। ये अपनी इमेजिनरी कहानियां बनाता है कि आदिल और मैं तो जिगरी दोस्त हैं। अगर ध्रुव भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी क्योंकि पुराने साथी हैं, आम आदमी पार्टी में साथ में काम करते थे। जब प्रधानमंत्री मोदी सड़क छाप मवालियों को ट्विटर पर फॉलो करते हुए देखते हैं, तब तो ये गोदी इन्फ्लुएंसर सारा लॉजिक लगा देते हैं कि इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की क्या गलती, उन्हें क्या पता था कि ये इंसान ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। याद आने निखिल नाम का एक ट्विटर यूजर जिसने गर्व से कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी उसे फॉलो करते हैं, इसने किस तरीके से एक महिला पत्रकार की मौत पर जश्न मनाया था, उनको गालियां दी थी। और प्लीज प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो इस तरह के लोगों को फॉलो ना करें, कोई नहीं मिलता उनको हिंदुस्तान में तो मुझे फॉलो कर लें। लेकिन ये इकलौता ऐसा केस नहीं है। ये बीजेपी 2016 पेज जिसने जर्नलिस्ट स्वाति चतुर्वेदी के खिलाफ बहुत ही भद्दी भाषा लिखी, इसे भी नरेंद्र मोदी फॉलो कर रहे थे। बीजेपी 2014 अवनीश चौबे, कूल आदित्य, महावीर एम जैसे कितने और ऐसे थ्रेटनिंग और अब्यूजिव हैंडल्स हैं जिन्हें प्रधानमंत्री फॉलो कर रहे थे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने तो अंकित जैन, सुरेश नकवा, तेजिंदर बग्गा जैसे कुछ हिंसक गालीबाज ट्रोल्स को अपने ऑफिशियल पर होस्ट भी किया था। क्या पहले चेक नहीं कर सकते थे कि ये कैसे लोग हैं? ऑनलाइन से अब ऑफलाइन पर आ जाए तो आसाराम बलात्कार के लिए कॉन्विक्ट हुआ, यहां नरेंद्र मोदी उसे माला पहनाते हुए और उसके पैर छूते हुए दिख रहे हैं। जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। इस ट्वीट और इस फेसबुक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी गुरमीत राम रहीम की प्रशंसा करते हुए दिखे, वही गुरमीत राम रहीम जिसे मर्डर और रेप जैसे केसेस में दोषी पाया गया है। इस फोटो में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री गुरमीत राम रहीम के साथ बैठे हुए दिखे। 2017 के इस न्यूज आर्टिकल को देखिए, मध्य प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और सतना में 11 लोगों को गिरफ्तार किया। इन पर आरोप था कि ये पाकिस्तान की ISI के लिए जासूस कर रहे थे। अब आज तक की ये हेडलाइन देखिए, ये जो गले में बीजेपी का पट्टा डाले हुए और टी शर्ट पर मोदी लिखवाए हुए दिख रहा है, ये है ध्रुव सक्सेना। यहाँ इसकी फोटो देखिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ। कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की पहली राजनीतिक पार्टी जिसके ऊपर एक ठप्पा लग चुका है कि यह एक ISI सर्टिफाइड पार्टी बन गई। कम से कम 3 शख्स इन 11 में से सीधा सीधा तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। अलेजिड आतंकवादियों के बीजेपी से सिर्फ एक दो ऐसे कनेक्शन नहीं है, ढेर सारे हैं। 2022 के इस न्यूज आर्टिकल को देखिए, जम्मू के रियासी में पकड़े गए आतंकियों में से एक तालिब हुसैन, जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा IT सेल का फॉर्मर चीफ निकला। बीजेपी ने कहा कि ये केवल 18 दिन तक बीजेपी का सदस्य रहा। नासिर और जुनेद की किलिंग का अक्यूज मोनू मानेसर इस फोटो में अनुराग ठाकुर के साथ, यहाँ लेट अरुण जेटली के साथ और यहाँ होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ। इस फोटो में प्रधानमंत्री मोदी पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के साथ दिख रहे हैं, जो 2008 के मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट की एक अक्यूज है।
बीजेपी नेताओं की एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या इनडायरेक्ट एसोसिएशन के ये सब एग्जांपल्स तो बस ट्रेलर हैं। अगर मैं पूरी लिस्ट बनाने लग जाऊं तो यहाँ 3 घंटे की फिल्म बन जाएगी। बाबू बजरंगी का स्टिंग ऑपरेशन, यशवंत सिंधे का एफिडेविट, प्रज्वल रेवन्ना, आशीष मिश्रा, अनुराग ठाकुर, यति नरसिंह सरस्वती, सूरज पाल अमू, सुरेश चव्हाण के, लिस्ट चलती ही जाती है। कोई कहता है गोली मारो, कोई लिंचिंग के लिए दोषी पाए गए लोगों को मालाएं पहनाता है, कोई बलात्कारियों को संस्कारी ब्राह्मण बताता है, तो कोई मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड की बात करता है। क्या एल्विश में हिम्मत है इन सब केसेस पर बोलने की? एल्विश मुझे पक्का पता है तू इस वीडियो को देख रहा होगा, सीधा तुझसे बोलना चाहूंगा, अगर तुझ में 1% भी हिम्मत है तो बीजेपी से काउंटर मांग कर दिखा। कहां है काउंटर, कहां है काउंटर? ये जो काएं काएं करे जा रहा था ना मेरे साथ, बीजेपी के साथ करके दिखा। नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे पता है तेरे जैसे सत्ता के चाटुकार पूरी जिंदगी ऐसी हिम्मत नहीं जुटा पाए। मेरे खिलाफ बोलना आसान है क्योंकि पता है सरकार पीछे से कुछ कहेगी नहीं, और बड़े यूट्यूबर को टारगेट करके व्यूज मिलेंगे, कंट्रोवर्सी होगी, पब्लिसिटी मिलेगी। पता है तुझ जैसे गोदी यूट्यूबर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुझ जैसे लोगों को लगता है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करके व्यूज आएंगे और इसी तरीके से फॉलोअर्स बटोरे जा सकते हैं, इसी तरीके से यूट्यूब पर करियर बनाया जा सकता है। लेकिन तेरे जैसे एक और यूट्यूबर को मैंने पहले भी कहा था, कॉन्ट्रोवर्सी करके एक सस्टेनेबल यूट्यूब करियर बनाना पॉसिबल नहीं है। एक लिमिट तक ही लोग इस ड्रामे को बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद लोगों को भी पता लग जाएगा तू ये ड्रामा जो करता है, कॉन्ट्रोवर्सी जो करता है, सिर्फ व्यूज के लिए करता है, पैसे के लिए करता है। असलियत में यूट्यूब पर अगर एक लॉन्ग टर्म करियर बनाना है तो उसके लिए ऑडियंस को कुछ जेन्युइन वैल्यू देनी पड़ेगी। ये चीज मैंने अपने यूट्यूब ब्लूप्रिंट कोर्स में सिखाई है। अगर तुझे नहीं समझ में आती तो जाकर कोर्स ले ले, तेरे लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी दे देता हूँ। कूपन कोड यूज कर एलविश 40% ऑफ मिलेगा। इस 7.5 घंटे के कोर्स में मैंने सब कुछ सिखाया है कि फिल्मिंग कैसे करनी है, एडिटिंग कैसे करनी है, मोनेटाइजेशन कैसे करी जाती है, इस करियर से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं बिना गैम्बलिंग और बेटिंग की एप्स को प्रमोट कर। ये भी तेरे लिए सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अभी तेरा बिजनेस मॉडल है ना कि कंट्रोवर्सी करके व्यूज इकट्ठे करो और फिर इन गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट करो, ये देश के यूथ का फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। इस कोर्स में मैंने ढेर सारे और तरीके बताए हैं पैसे कमाने के, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेकंड चैप्टर में बात करी है, अपनी नीश कैसे चुननी, अपनी स्किल्स और अपने पैशन के बल पर एक यूनिक यूट्यूब चैनल कैसे बनाना। अब दोस्तों वैसे मुझे पता नहीं एल्विश यादव में कितनी स्किल्स है, तो इसका तो छोड़ो, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जरूर एल्विश 40 कूपन कोड यूज कर सकते। जितने भी लोगों ने कोर्स लिया है उन्हें ये बेहद यूजफुल लगा है, और पिछले 10 सालों में YouTube के करियर में मैंने जो भी कुछ सीखा है वो मैंने आपको इसमें सिखाया है। इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। टॉपिक पर वापस आए तो आगे ये बंदा बात करता है जॉर्ज सोरस की। तो हर्ष मंदार है वो जॉर्ज सोरस के साथ काम करता है, जिसने 8,000 करोड़ की फंडिंग दे रखी है मोदी जैसे राष्ट्रवादी PM को हटाने के लिए और सरकार गिराने के लिए। ये जॉर्ज सोरस वाला प्रोपेगेंडा आपने जरूर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर कभी ना कभी देखा होगा। इसमें इल्यूमिनाटी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, वामपंथी, JNU, टूलकिट गैंग, खान मार्केट गैंग, कांग्रेस वगैरह, इन सब की साथ में बात करी जाती है। एक बिल्कुल खिचड़ी बना दी जाती है इन सब बड़े बड़े वर्ड्स, और ये खिचड़ी मोदी भक्तों को खिलाई जाती है गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ व्हाट्सएप पर। एल्विश अपने वीडियो में बार बार कहता है कि गूगल कर लो, गूगल कर लो। तो आइए गूगल करके देखते हैं कि कौन है ये जॉर्ज सोरस। जॉर्ज सोरस एक हंगेरियन अमेरिकन बिलियनर है, और वे एक इन्वेस्टर, हेज फंड मैनेजर, शॉर्ट सेलर और फिलैंथ्रोपिस्ट। बहुत सारे बड़े बड़े शब्द हैं, मैं जानता हूं एल्विश को अजब नहीं हुए होंगे, तो उसने सीधा व्हाट्सएप खोला और देखा कि व्हाट्सएप पर जो लिखा है वो बता दो। 1992 में इन्होंने अपनी शॉर्ट सेलिंग से बैंक ऑफ इंग्लैंड को हिला दिया, $1 billion का प्रॉफिट कमाया था। 1997 में इन्होंने थाईलैंड और मलेशिया की करेंसीज को शॉर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से एक फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली थी। उसी साल इन्होंने दी अटलांटिक में एक लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि वैसे तो मैंने फाइनेंशियल मार्केट्स में छक्का फाड़ कमाई की, लेकिन अब मुझे लगता है कि लेसे फेयर कैपिटलिज्म, यानी जहां कोई रेगुलेशंस ना हो, ऐसा कैपिटलिज्म एक खतरा है ओपन सोसाइटी। ओपन सोसाइटी का मतलब है कि ऐसी दुनिया जहां डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो और इंडिविजुअल राइट्स के लिए रिस्पेक्ट की जाए। ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए इन्होंने दुनिया के 100 देशों में अपनी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन बनाई। इस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने इंडिया में अपने कदम रखे साल 1999 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। इनिशियली ये इंडियन इंस्टीट्यूशंस में स्टडी और रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स को